वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रजत गिरणिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्मवर्गनैर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास महात्म दूसरे अध्याय की कथा। श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। श्रावण का महीना शिव भक्तों के लिए बड़ा ही उत्तम माना गया है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल पंचामृत बिलपत्र आदि अर्पित करते हैं, निवेद्य चढ़ाते हैं, पूरे विधि विधान से भगवान का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा सभी पापों का नाश होता है। श्रावण मास का महत्व सुनने से भगवान शिव का कृपा प्राप्त होता है। तो आइए आज सुनते हैं श्रावण मास महत्व दूसरे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। ईश्वर बोले कि हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। ब्रह्मपुत्र आप विनर्म गुणी श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता है। हे अनघ, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो भी नहीं पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष ना करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का पांचवा मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव को त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिलपत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनानी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत अथवा उपवास रहना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृताभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो सुफल कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुनि, इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करनी चाहिए। फलाहार अथवा हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर देना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी ना किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरश्चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान शिव जी की प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुषोक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ कोटि होम लक्ष होम तथा अयूत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक निवास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास
सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नृसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को औदुम्बर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुनि, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपौदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस मास के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस 12वीं तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। उत्सर्जन उपाकर्म सभादीप सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणाकर्म, सर्पबलि और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक के व्रत को जानना चाहिए। हे द्युत्तम, कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस 8वीं को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के अलग अलग देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीया तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीया तिथि की गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, 10वीं के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे जाते हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्रातः इसी मास में अगस्त का उदय होता है। हे मुनि, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12:40 व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से
अगस्त्य को अर्घ प्रदान करना चाहिए। बारहों मासों में सूर्य अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्ती नाम वाला होकर तपता रहता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, चार मासों में जो वस्तु वर्जित है उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार आश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इस वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे महानुभाव, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रतोद्देश कथन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ यह श्रावण मास की महात्म कथा आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से आगे का अध्याय को सुनने के लिए अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।